नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, फटाफट जाने की पहली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका ने बगदाद में मिसाइलें दागकर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को उतारा मौत के घाट। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जाने का, जहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने सावरकर और गोडसे पर की है अभद्र टिप्पणी। विवादित बुकलेट में किया दावा कि शारीरिक थे संबंध। जी हाँ, इसी के साथ जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। अगली बड़ी खबर जाने की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी को दिया है करारा जवाब। जी हाँ, दरअसल प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से भगवा पर सवाल खड़े किए थे, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके एक से एक ऐसा जवाब दिया है जो आपको सुनना, कविता के माध्यम से दिया है, आपको सुनना बेहद जरूरी है। अगली बड़ी खबर जानेंगे आर्टिकल 370 पर। एक बार फिर से चीफ आर्मी नरवड़े ने पाकिस्तान को चेताया, कहा कि पाकिस्तान 370 को स्वीकार करे, पाकिस्तान अब हो चुका है काम, अगर कुछ भी किया अभद्र चीज तो होगी कड़ी कार्रवाई। अगली बड़ी खबर में एक बार फिर से आपको बता दें कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनआरसी और सीए पर मुलाकात करेगा। इसी के साथ फैज अहमद की लिखी कानपुर में आईआईटी पर योगी आदित्यनाथ ने बिठाई जांच, का कड़ी, अगर हिंदू विरोधी हो अगर कोई कविता तो कड़ी कार्रवाई की जाए। समेत 10 बड़ी खबर। महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है, कांग्रेस में जबरदस्त टकराहट एक बार फिर से देखी जा रही है। समेत 10 बड़ी खबर जाने के लिए, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका ने बगदाद में मिसाइलें दागकर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को उतारा मौत के घाट। जी हां, दरअसल अमेरिका ने एक अप्रत्याशित घटना, गुरुवार देर रात इराक की राजधानी बगदाद में हवाई हमले करके ईरान के अत्यंत प्रशिक्षित कट फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि सुलेमानी का काफिला बगदाद एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था, इसी ओर अमेरिका ने हवाई हमला कर दिया। इसी हमले में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के भी मारे जाने की खबर है। दरअसल ईरान के सरकारी टीवी ने सुलेमानी के मारे जाने की पुष्टि की है। बता दें कि सुलेमानी को पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों को चलाने का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता रहा है। सुलेमानी और सीरिया में अपनी जड़ें जमाने और इसराइल में रॉकेट अटैक कराने का आरोप है। अमेरिका को लंबे समय से सुलेमानी की तलाश थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हमला हुआ था उससे पूरी तरीके से जबरदस्त हड़कंप मच गया था। रात में ही आपको बता दें कि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुलेमानी के मारे जाने के ठीक बाद अमेरिका का झंडा ट्वीट किया है। समझा जा रहा है कि ट्रंप ने इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि बिना टेक्स्ट के लिए दिए गए ट्वीट में अमेरिका का झंडा दिख रहा है। पिछले साल में ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। अमेरिका ने ईरान पर कई पाबंदियां लगा रखी थी। आपको बता दें हाल ही में अमेरिकी दूतावास पर ईरान में जबरदस्त हमला हुआ था, जिसके बाद ही अमेरिका ने चेतावनी दे डाली थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर सावरकर पर कांग्रेस की अभद्र टिप्पणी। सावरकर और गोडसे को अपनी किताब में बताया समलैंगिक। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कांग्रेस के सेवा दल प्रशिक्षण शिविर में विनायक दामोदरदास सावरकर और नाथुराम गोडसे के संबंधों को लेकर एक विवादित साहित्य बांटने का मामला सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि हिंदू महासभा के सह संस्थापक सावरकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मारने वाले गोडसे के बीच शारीरिक संबंध है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और शिवसेना पर जबरदस्त निशाना साधा। दरअसल वीर सावरकर कितने वीर नामक इस बुकलेट में सावरकर से जुड़े तमाम घटनाओं, सवालों और विवादों के बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि ब्रह्मचर्य ग्रहण करने से पहले नाथुराम गोडसे के वीर सावरकर से होमोसेक्सुअल संबंध थे। इस बुकलेट में यह भी बताया गया है कि वीर सावरकर जब 12 साल के थे तब उन्होंने एक मस्जिद पर पत्थर भी बरसाए थे। बुकलेट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नाजी और फासीवादी संस्था के रूप में दर्शाया गया है। यह भी कहा गया है कि संघ का हिटलर के नाजीवादी और मुसोलिनी के फासीवाद से प्रेरणा मिलती है। वहीं इस बात विवादित बुकलेट के बारे में कांग्रेस नेता लालाजी देसाई का कहना है कि बुकलेट में भी बातें की गई हैं लेकिन सबूतों के आधार पर लिखे गए हैं। ये मसला हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। हमारे देश में जो भी हर किसी को अपनी प्राथमिकताएं तय करने की कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अब सावरकर और गोडसे पर सवाल खड़े किए हैं, बीजेपी शिवसेना से सवाल पूछ रही कि आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे इस तरीके के अपमान, तो वहीं अब देखने की बात होती है कि शिवसेना की प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस ने जबरदस्त ओछी राजनीति करती हुई दिख रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रियंका गांधी पर भगवा वाले दिए गए बयान पर जबरदस्त निशाना साधा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से ट्वीट करते लिखा गया है कि अंतर मन का उद्धार है भगवा, आस्था का ज्वार है भगवा,
सनातनी संस्कार है भगवा, भारत का श्रृंगार है भगवा, जीवन नश्वर उद्धार है भगवा, कांग्रेस के लिए व्यापार है भगवा, हमारे योगी जी का प्यार है भगवा, क्रांति की हुंकार और शांति का राग है भगवा, पवित्र प्रतीक और मर्यादा का मानक है भगवा, सेवा त्याग समर्पण का अनुबंध है भगवा, भागवत का सार शौर्य का प्रमाण है भगवा, काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष से मुक्ति है भगवा। ये भगवा की बातें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को, पूरे कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके समझाया है। आपको बता दें कि लगभग 10 लाइन की ऐसी बातें हैं, 10 से 20 लाइन में दिया है, जिसमें गरीबों की शान है भगवा, वंचितों का मान है भगवा, शोषित का ये आन बान और शान है भगवा, हम सबका सम्मान है भगवा, राजनीति के सौदागर को चुनौती है भगवा, यूपी का निशान है भगवा, माँ भारती का स्वाभिमान है भगवा समेत लगभग 25 से 30 लाइनों में जबरदस्त भगवा का डिस्क्राइब किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के उसे भगवा पर दिए गए बयान पर करारा तमाचा मारा है। फिलहाल अगर आप भी भगवा शान मानते हैं तो इस वीडियो के एक लाइक तो बनता ही दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अगर आप मुख्यमंत्री अच्छे मुख्यमंत्री मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में दो शब्द जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आर्टिकल 370 पर एक बार फिर से पाकिस्तान को थल सेना अध्यक्ष नरवणे ने दी चेतावनी, कहा भारत के फैसले को शांति से स्वीकार करे पाकिस्तान, जो होना था हो चुका है। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने से बिलबिलाए पाकिस्तान को। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि भारत के निर्णय को पाकिस्तान को अब शांति से स्वीकार करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने जो एक बार कर लिया, हिंदुस्तान की संसद पार्लियामेंट ने जो फैसला हो गया है, आर्टिकल 370 हटना था क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर अविभाज्य अंग है और इसको हम पूरी तरीके से लेकर रहेंगे पूरे जम्मू कश्मीर को। ऐसे में जिस तरीके से 370 हटना ये हमारा कानूनी प्रक्रिया था, संवैधानिक प्रक्रिया था, ऐसे में पाकिस्तान को अब किसी भी तरीके के यहां पर ना तो यूएन ना तो मुस्लिम संगठनों की बैठक करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान हाल ही में सऊदी अरब ने OIC यानी मुस्लिम देशों की बैठक बुलाई थी, जिसका कहीं ना कहीं सारा सऊदी अरब की तरफ भी नरवड़े का है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। CAA NRC को लेकर PM मोदी से मुलाकात करेगा मुस्लिम बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधि मंडल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर जल्द ही मुस्लिम इमाम और बुद्धिजीवियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगा। ये मुलाकात इसी हफ्ते हो सकती है। अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ उमेर इलियासी ने नेतृत्व में ये मुलाकात की जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। फैज ने कब और क्यों लिखी वो नज्म जिसमें हिंदू विरोधी होने की होगी जांच, IIT की बड़ा दावा। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। उन्होंने कहा है कि आखिर जो भी हिंदू विरोधी वहां पर नज्म पढ़े गए हैं उसकी जांच की जाए, जांच में जो भी छात्र पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे, इस पर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी प्रदर्शन में इस कविता का इस्तेमाल हो रहा है। इस बीच IIT कानपुर की एक जांच कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में बात को जांचेगी कि क्या फैज की ये नज्म हिंदू विरोधी है या फिर नहीं। दरअसल ये नज्म की बस नाम रहेगा अल्लाह का की पंक्ति की वजह से हो रही है। जाने कि फैज में आप दरअसल आपको बता दें साफ साफ उसमें पढ़ा गया है और इसमें बस नाम रहेगा अल्लाह का करके पूरी नज्म कानपुर IIT में गाया गया है। तो इस तरीके के इस पर विवाद हो गया है और अब इस पर जांच बिठा दी गई है। देखने की बात होती है कि अल्लाह का नाम रहेगा या फिर ईश्वर की, लेकिन फिलहाल अभी जांच जारी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारों पर फंसा पेच, कांग्रेस ने रखी नई मांग। जी हाँ, दरअसल अजीत पवार ने गुरुवार को मंत्रालय के बंटवारे की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस की मांगों के चलते ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। दरअसल NCP के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने बताया है कि कांग्रेस ने कृषि के साथ उद्योग या परिवहन मंत्रालय में एक की मांग रख दी है। कांग्रेस ने इस पहले शहरी विकास, कृषि और परिवहन मंत्रालय पर अपना दावा ठोका था, फिर शहरी विकास का दावा उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, कृषि के साथ अब उद्योग या परिवहन उनको चाहिए तो चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि शिवसेना देने को मूड में नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि टकराहट बढ़ सकती है और टकराहट लास्ट शोर तक और बढ़ने वाली है। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अमेरिका ने दी चेतावनी, पाकिस्तान के एयरबेस से ना गुजरे आतंकी कर सकते हैं हमला। जी हां, दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरबेस में आतंकी हमले की चेतावनी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी तत्वों की मौजूदगी से अमेरिकी विमानों पर छोटे हथियार, एयरपोर्ट पर हमले और एंटी एयरक्राफ्ट फायर के जरिए निशाना बनाए जाने का लगातार जोखिम भरा है। ऐसे में हम चाहते हैं कि अब
पाकिस्तान के एयरबेस से बिल्कुल ना गुजरा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तान में सक्रिय अतिवादी आतंकी तत्वों की मौजूदगी से अमेरिकी विमानों पर छोटे हथियार, एयरपोर्टों पर हमले, एंटी एयरक्राफ्ट फायर के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको भारत को भी इस तरीके से सीखना चाहिए जिस तरीके से अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। भारत को भी उनके एयरपेस से बिल्कुल गुजारना नहीं चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। महाराष्ट्र नाराज, एकनाथ खड़से की बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है बीजेपी। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में। दरअसल बीजेपी और दरकिनार कर दिए गए वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से को मनाने की तैयारी में है। दरअसल सुधीर मुंगटीवार ने कहा कि पार्टी खड़से को दिल्ली या विधानमंडल में भेज सकती है। इससे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद मंत्री पद से खड़से का इस्तीफा लिया गया था, लेकिन आपको बता दें कि अब एक बार फिर से बीजेपी उनको राजनीति में सक्रिय करना चाहती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा CAA के खिलाफ ज़्यादातर प्रदर्शन है राजनीतिक। जी हाँ, आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों को चेतावनी दी। कहा है कि जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं ये सब राजनीतिक हो रहे हैं और यहाँ पर केवल और केवल या तो मुसलमान कर रहा है या तो कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने संगठनों को जोड़कर करा रही है। इस तरीके से नहीं चलेगा देश और देश को तोड़ने वालों को जनता करारा जवाब देगी। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि CAA NRC पूरे देश में लागू होना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत।